हेलो गाइस, आप देख रहे हैं दास। तो आज के व्लॉग का टॉपिक है मैं और मनीष हैं वैष्णो देवी। तो हमारा 3-4 दिन पहले प्लान बना था कि मनीष कह रहा था कि घूमने चल रहे हैं, तो मैंने दिमाग लगाया चलो वैष्णो देवी चल रहे हैं। ये मेरा पहला ट्रिप है, आज से पहले मैं कहीं नहीं गया। इतनी मुश्किल से मम्मी को मनाया मैंने कि मम्मी जाने दो, आज से पहले कहीं नहीं जाने दिया मैंने। तो पहली बार मुझे मैं मनीष घूमने जा रहे हैं। 2 hours later रोड पे आ गया हूँ, मनीष आने वाला है थोड़ी देर पे। यहाँ पे हमारे पास सामान पैक कर लिया है, सामान दिए रहा, एक सिर्फ एक बैग में लेके जा रहा हूँ सामान। छोटा सा बैग है ये, इसमें एक जोड़ी कपड़े हैं सिर्फ। अरे थोड़ा रात को ठंड लगेगी ट्रेन में। 10 मिनट में मनीष आ रहा है। इस टाइम हम मोदीनगर स्टेशन पे आ चुके हैं। मेरे साथ है मनीष, यह है दीपक हमारे ड्राइवर। यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा अभी, ट्रेन आने में अभी 20 मिनट है। 20 मिनट तक दीपक के साथ थोड़ा मेल मिलाप करता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। A few moments later. तो हमारी ट्रेन आ रही है, थोड़ी लेट हो गई है, एक घंटे से वेट कर रहे हैं। दीपक भी हमारे साथ है, हमारा मतलब सामान वामान देखने के लिए कोई तो होना चाहिए, है दीपक? चला जाए सर, हैपट मारो। बोलने की सेंस नहीं है। पिछले व्लॉग में भी 2-3 गाली दी कि इसने मेरी कमेंट लिस्ट में बेइज्जती करवाई थी। हमारी ट्रेन, मनीष भाग के चढ़ जा। अरे ये पीछे वो उतर गई, वो रही भाग क्यों रहा है? भाग रहा चल रही है क्या? अभी तो खड़ी हुई है, दो नहीं चल रही। भाग रहा, पहली बार चढ़ रहा। देखो ये लड़का पहली बार ट्रेन में चढ़ने जा रहा है। भाई इधर से भी चढ़ सकते हो, अलाउ है इधर से। कौन से वाला था? कौन सी थी मनी? 29 मिडिल जा रहा। दीपा भाई ध्यान से, मिलता हूँ 3-4 दिन बाद। ध्यान से थोड़ा धीरे बोल ले। अभी हम मेरठ स्टेशन पे आ चुके हैं। मनीष की खूबसूरती कैमरे में निखरती है। हंस दे। तो यहाँ सब कुछ तो हो चुका है, ज़्यादा तेज नहीं बोल सकता। हाँ तो हम आ चुके हैं जम्मू। अब जम्मू से कटरा की ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि लोगों ने बताया है कि बस से ज़्यादा अच्छे अच्छे लोकेशन नहीं दिखती जितनी अच्छी ट्रेन से दिखती है। तो हमने सोचा ट्रेन से ही चलेंगे। हाँ मनीष, ट्रेन से चलेंगे ना? हाँ बिल्कुल। जम्मू आ चुके हैं, उधर मास्क लगा ले। मास्क लगा ले। आ गए हम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू आए कश्मीर नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ कोरोना। कटरा वाली ट्रेन निकल गई है, अब हम बस पकड़ के जाना पड़ेगा। छूट गई क्योंकि हम 1 घंटा लेट हो गए ना। मनीष आ रहा है, पूछने गया था मनीष ट्रेन के लिए। क्या हुआ मनीष? क्या हुआ, क्या हो गया? बिना सिम के नेट नहीं चलेगा। चल तो वो चल ले, बस ही ले रहे। तो बस ही जाना पड़ रहा है। ट्रेन से इसलिए जाना, क्या था कि टिकट ट्रेन से ना अच्छी अच्छी लोकेशन देखने को मिलती, पहाड़ों के बीच में से ट्रेन जाता ना। बस भी देखते हैं कैसे जाएगा। सुनने भाई बस भी ठीक ठाक अच्छी लोकेशन से जाती है। कहाँ मिलेगी बस? कहाँ मिलेगी? दस मिनट के लिए रुका है चाय पीने के लिए। बहुत अच्छी लोकेशन है। मनीष ने चाय पकड़ ली है।
सर नज़दीक पहुँचेंगे तो जैसे तीन चोटियाँ दिखाई दे रही हैं ऐसे ही वहाँ तीन चोटियाँ हैं। अच्छा देखिए मनीष, ये हमारी चेकिंग होने जा रही है, यहाँ सिक्योरिटी देखी जाएगी, हमारे कुछ आइटम हमारे शरीर को देखा जाएगा कि हम कुछ लेके तो नहीं जा रहे हो। बस से उतर गए आगे कटरा, अब वैसे दिन की चढ़ाई करनी है तो टोकन लेने जा रहे हो। तो टोकन मिलेगा यहाँ पे, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं, छोटी सी लाइन है। मैं भाई थोड़ा काम चलाओ, शोरूम लिया है। कितनी शक्ल अच्छी ना है ना, रेडी हो गए हैं, ये वाला बैग लेके अब हम चढ़ाई करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। अपना अपना रूम बंद। चल मनीष अब हम करेंगे वैष्णो देवी की चढ़ाई। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चढ़ाई के लिए इधर इधर से इधर से वहाँ पर सबसे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर वाली चोटी पे 14 किलोमीटर के आसपास है, पैदल जाना है। ओह कौन जाएंगे, 50-60 सेल्फी लेंगे ठीक है, 50-60 ना 100 भी हो सकते।